चार साल हो गए मुझे इस घर में आए हुए, आज भी याद है जब शादी हुई थी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी। सास से हमेशा डर के रहना, ससुर के सामने पल्ला रखना, ननंद से ज्यादा बातें मत शेयर करना, ये मत करना, वो मत करना, इन लॉज के सामने ऐसा मत बोलना, वैसा मत बोलना। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो भी सुना था ना सब बेकार। शादी के बाद रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आती है वो होता है सिर्फ एक शब्द, इन लॉज। ये इन लॉज शब्द ना दूध में खटास का काम करता है। मैंने इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही निकाल दिया है, इसलिए यहाँ मैं अपने बड़े पापा से वैसे ही झगड़ा करती हूँ जैसे अपने पापा से किया करती थी। यहाँ पर बड़ी मम्मी से वैसे ही इलाज करवाती हूँ जैसे अपनी माँ से कराया करती थी। मैंने यहाँ अपनी ननंदों से वैसे ही सब कुछ शेयर किया जैसे अपनी बहनों से किया करती थी। अपने देवर से वैसे ही दोस्ती रखी जैसे मेरे भाई के साथ थी। इसीलिए ये मेरा ससुराल नहीं, मेरा मायका है, मेरे माँ बाप का घर है। और सच बताऊं ना तो इस घर को अपना मानने के पीछे, मुझे इन सारे रिश्तों के इतना करीब लाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ मेरे पति का है। मेरे पति सबसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे तो सबसे प्यार होना ही था। प्रीत। हाँ। आई। ये है मेरे पति। अरे इतनी बड़ी पार्टी आज, सिर्फ को सारे इन्वेस्टर्स से मिलाना है, वो कंपनी टेक ओवर करने वाला है। मेरे छोटे भाई के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और बड़े पापा के लिए। उनका हमेशा ये सपना रहा है कि सिर्फ उनकी कंपनी एक बार टेक ओवर करे। एक मिनट। हाँ? ये बड़ी मम्मी ने दवाई नहीं खाई अभी तक? नहीं वो बड़ी मम्मी क्या हो गया? वेट 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 ये पकड़ी। आपसे कितनी बार कहा आप दवाई खाना क्यों भूल जाती है? तुम हो ना मुझे याद दिलाने के लिए। बातें बाद में, पहले दवा खा ली। गुड मॉर्निंग ईशान। गुड मॉर्निंग बड़े बाबा। अरे भाई मेरा स्वेटर कहाँ है? आपका स्वेटर और बाहर का ठंड है, ज्यादा दूर तक जाना ठीक है? मेरे पति सबसे इतना प्यार करते हैं तो मुझे तो सबसे प्यार होना ही था। इसीलिए आज ये मेरे इन लॉज का नहीं, मेरा घर है, मेरे माँ बाप का घर है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। ओ एक मिनट एक मिनट, तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मुझे पता है जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। हाँ हाँ लेकिन सबको संभालना भी तो पड़ता है। पर तुम्हें कौन संभालेगा? बस भी करो, कितना तैयार करोगी? आज आपके लिए कितना बड़ा दिन है। अरे भाई बड़ा दिन तो तुम्हारे लिए भी है, आज तुम्हारा बेटा सिद्ध कंपनी के सारे शेयर होल्डर से मिलेगा, आज से वो कंपनी संभाले। तुम्हें कैसे? बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा उस दिन लगा था जब मैंने अपने घर की चाबियां प्रीत को सौंपी थी। ऐसा लगा था मानो मुझसे बेहतर किसी ने मेरा काम संभाल लिया हो। लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। कैसा सवाल? आपने अपनी कंपनी अपने बेटे के नाम करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन ईशान के बारे में क्या सोचा है? माना वो आपके छोटे भाई का बेटा है, लेकिन हमारे घर का बड़ा बेटा तो वही है ना, कितना करता है वो हम सब लोगों के लिए। अरे यही तो खासियत है उसकी, जब करने की बारी आती है वो सबसे आगे खड़ा रहता है, और जब उसके लिए कुछ करना चाहो तो सबसे पीछे जाके खड़ा हो जाता है। ये ईशान भी ना बड़ा अजीब लड़का है, अपने लिए उसे कभी कुछ चाहिए ही नहीं होता है। लेकिन हम सबको ईशान चाहिए, हर कदम पे हर गोल। As you can see, Mr. Kumar, हमारे बनाए गए नए टैंक क्वालिटी एंड ईज ऑफ ऑपरेशन में अमेरिका एंड यूरोप को टक्कर दे सकते हैं। आज हमारी आर्मी के साथ हुडा इंडस्ट्रीज के टैंक्स बॉर्डर पर हैं, इसीलिए हम सब यहाँ चैन की सांस ले रहे हैं। So, Mr. Kumar, हर साल की तरह फॉर्मेलिटीज पूरी करें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। I'm sorry, Mr. Huda. हम इस बार आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। What? जी हाँ, एक तो आप डिस्काउंट दे नहीं पा रहे and financially this deal doesn't work for us. डिस्काउंट? ये टैंक हम आपको जीरो प्रॉफिट में दे, हाउ कैन यू से दैट दिस डील डजंट वर्क फॉर यू? इन फैक्ट आप इस मैटर को लेकर सीरियस ही नहीं, अगर सीरियस होते तो मीटिंग के बीच में अपनी सेक्रेटरी को मैसेज नहीं कर रहे हो। आप अपने क्लाइंट के साथ इस तरह से बात करेंगी? ईशा क्या कर रही है? मिस्टर कुमार आई एम सॉरी, प्लीज बैठिए ना। देखिए ये बिजनेस हमारे लिए सिर्फ पैसों के लिए नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम करना हमारे लिए गर्व की बात है। अब ये डील नहीं होगी,
Mr. Kumar, please. Meri baat suni. Mr. Kumar, please, please. Excuse me, sir. आपने इन्हें धक्का दिया? Come on, Ishaan. Let me go. Mr. Kumar. इस बिजनेस में आप नए हैं, हम नहीं. पिछले 15 साल से हमारी कंपनी और ये गवर्नमेंट एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. And we are proud of it. As Indians. हम 15 अगस्त ठीक उसी तरीके से मनाते हैं जिस तरीके से एक परिवार के सदस्य का बर्थडे मनाया जाता है. हम इंडियन डिफेंस से जुड़े हुए हैं और इस बात का हमें गर्व है. हम ये डील पैसों के लिए नहीं करते. बड़े पापा ये डील इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस देश की मिट्टी से जुड़े हैं. और मैं ये डील इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बड़े पापा से जुड़ा हूं. आपको इस बारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना. फाइन, इट्स ओके. आप यहां से जा सकते हैं. लेकिन अगली बार आपने गलती से भी मेरे बड़े पापा की ओर उंगली भी उठाई ना, तो आप कुछ और उठाने के लायक नहीं रहेंगे. इतना गुस्सा, और वो भी दूर के रिश्तेदार के लिए? मिस्टर कुमार, ईशान मेरे लिए बेटे से बढ़कर है. इट्स ओके बड़े पापा. मिस्टर कुमार, मैं जो भी हूं इतना इंपॉर्टेंट हूं. पिछले आधे घंटे से आपके बॉस, मैंने डिफेंस मिनिस्टर के साथ फोन पे बात करा था. मिस्टर कुमार, यही तो फर्क है हम जैसे लोगों में और आप में. आप जैसे लोग इस कंट्री को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना हम लेते हैं. आप लोगों के साथ काम करते करते हमारी कंपनी हर साल लाखों का नुकसान सहती है. लेकिन फिर भी बड़े पापा ने हमेशा यही चाहा कि ये अरेंजमेंट हमेशा बना रहे. यू नो व्हाई? बिकॉज़ ही लव्स हिज कंट्री. इन्हें अपने कंट्री से प्यार है. आप जैसे लोग ये समझेंगे नहीं. इट्स ओके. नहीं, लास्ट डायल नंबर उन्हीं का आप कर लीजिए. नो, इट्स ओके. मैं ये डील साइन करने के लिए तैयार हूं. ईशान, तुम वाकई डिफेंस मिनिस्टर को जानते हो? ऑफ कोर्स जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते. सीट रेडी? एक मिनट भाभी. ओहो, बोर्ड मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर है, कोई पोर्टफोलियो शूट थोड़ी है. ओ भाई, ये क्या है? क्यों? लोगों को अंधा करने का प्लान है क्या, ये शाइनी कपड़े पहन के? ओ हेलो, कॉलेज प्रॉम नाइट में ना मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था. ओके भाभी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज था. ओके, वो फैशन कॉलेज नहीं था. और वैसे भी इन कपड़ों में ना तू 90s की फिल्मों का बैकग्राउंड डांसर दिख रहा है. अरे यू डोंट नो, आई एम ब्रिंगिंग रेट्रो बैक. हां ओए रेट्रो दे पुत्तर, तू ना जल्दी से ये पहन ले. अब लग रहा है ना एकदम हीरो. हीरो क्या? राजस्थानी होटल का वेटर लग रहा हूँ. हाँ, बिजनेस वर्ल्ड का राइजिंग स्टार सिद्धार्थ हुडा. इसमें खाने का सामान तो लगाओ. मॉम इतना स्ट्रेस मत लो, इट्स ऑल ओके. हाँ हाँ बेटा, तुझे क्या पता मेरी स्ट्रेस से तो ये सारा घर चलता है. तुम लोग का क्या है, सुबह होते ऑफिस निकल लेते हो. मॉम बिजनेस भी तो संभालना होता है. वैसे डैड कहाँ पर है? तैयार हो रहा है. ओके, संभाल के बेटा. और ये औरतें साड़ी पता नहीं कैसे पहनती हैं. एक मिनट, ये सब औरतें मतलब तू भी तो हम में से एक है. अच्छा छोड़िए बातें, तू तेरे बालों को क्या हुआ? क्या ह्यूमिडिटी? मॉम इट्स माय न्यू हेयर स्टाइल. बेटा यू नो व्हाट, आज ना शाम अग्रवाल जी का बेटा आने वाला है. मैं सोचती हूँ आज मैं तुझे उससे मिलाती हूँ. मॉम मुझे उससे नहीं मिलना. लुक, मैं ना तेरे करियर में तुझे फुल टू सपोर्ट कर रही हूँ. लेकिन बेटा शादी की बात ना तू ऐसे कम्प्लीटली इग्नोर मत कर. Excuse me, did you say full two? हाँ, so, mom, please, ये साउथ की डब मूवीज देखना बंद करो, उसी की वजह से आपकी लैंग्वेज खराब होती जा रही है. एंड बाय द वे, आप भूल रही हैं आज दिन किसका है? मामा दिशा. तेरी गाड़ी कैसी खराब हो गया? और तूने खिड़कियां नीचे कर दी थी है ना? क्या हो गया नीति तुझे? तू आज बाहर गई थी, तेरी गाड़ी का एसी खराब हो गया था, तो तूने खिड़की नीचे कर दी, हवा अंदर आके तेरे बाल की हवाइयां उड़ा गई, इसलिए ऐसा हाल है ना? करेक्ट. मुझे पता है, मैंने आजकल शेरलॉक होम्स की नॉवेल्स पढ़ना शुरू कर दिया. यूं समझ जाती चीजें मैं चुटकी बजा के.
अच्छा ये बेटा कुकुर बच्चे का है, वो नहीं आ रहा है? ओहो माँ आपको क्या बताऊँ मैं, टिंकू को जुकाम हो गया, उसके बाद चीनू को जुकाम हो गया, वैसे दोनों को हर चीज एक साथ ही होती है। मैंने कितनी बार उनको कहा है कि ऑरेंज जूस में बर्फ डाल के मत पिया करो मत पिया करो, लेकिन मेरी बात कोई सुनता है क्या कभी? मैं तो आने वाली नहीं थी, लेकिन कुकू ने कहा कि सिक्का स्पेशल डे है, उसे सपोर्ट चाहिए, तुम जाओ, तो मैं आ गई। कभी कभी लगता है कुकू मेरे बारे में बहुत सोचता है, लेकिन कभी कभी लगता है कि वो अकेला रहना चाहता था इसलिए उसने मुझे भेज दिया। मॉम आप शोर आज ये पार्टी में बहुत पीने वाली। एक मिनट। हेलो ईशान, कहाँ हो तुम? बस 10 मिनट में ऑफिस से निकल रहा हूँ। 10 मिनट? अरे जल्दी करो ना, पार्टी शुरू होने वाली है। सिख कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बेचारा नर्वस हो रहा है। आई नो थोड़ा लेट हो गया, तुम एक काम करो, तुम उसका इंट्रोडक्शन शुरू करवा दो। ओके मैं कैसे? कम ऑन प्रीत, तुम इतनी सारी वर्क रिलेटेड पार्टीज में मेरे साथ आ चुकी हो, सारे बोर्ड मेंबर्स को जानती हो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? अरे लेकिन मुझे उन सबके नाम थोड़ी ना याद है। एक बार उनके चेहरे देखोगी तो सब याद आ जाएगा। ओके अरे लेकिन ईशान मेरी बात तो सुनो तुम। प्रीत यू मैन, आई ट्रस्ट यू। नर्वस? हाँ बिल्कुल। आप हमेशा से चाहते थे ना कि आपका बेटा आपकी कंपनी ज्वाइन करे, और अब जब वो घड़ी आ गई है तो आपको डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, वो ठीक से कंपनी चला पाएगा या नहीं। बेटा जो और कोई नहीं बोलता ना वो तू बोल देती है, और बिल्कुल सही बोलती है तू। ओ बड़े पाप, सब घबराओ मत, सब ठीक हो जाना है, डोंट टेक टेंशन, बैठो इधर। बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, कई सालों से मुझे इन 2 दिनों का इंतजार था, एक वो दिन जब मेरा छोटा बेटा सेटल हो जाएगा, और एक वो दिन जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाए। तो देखो ना, आपका छोटा बेटा सिद्ध आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, रही बात त्रिशा की शादी की तो वो भी जल्दी हो जानी है। त्रिशा सुन, मिस अग्रवाल है ना, उनका बेटा अंदर बोली अच्छा है ना? Come on, mom, उसकी हालत देखिए, अपने बिग दोस्त से संभाला नहीं जा रहा, मुझे क्या संभालेगा? सुन तो। ओ यार पटियाला पैक बना दे, चार्टर बोतल ही दे दे, बोतल नहीं काम चला लेते। शादी ये सारे बोर्ड के मेंबर्स में नमूने टाइप किया, शक्लें देखी इनकी, किसने बनाए इनको बोर्ड मेंबर हैं? बेटा प्रीत सिट को सारे बोर्ड मेंबर्स से मिलवा लो। हाय प्रीत। हाय। और वो देखो भाभी ना सिट को सबसे इंट्रोड्यूस करा रही हैं, क्या पॉइंट, आधे तो नाम भी याद नहीं रहते इनको। ऋषा दी क्या हुआ? सिट को बोर्ड ऑफ मेंबर्स से मिलवाया जा रहा है, अब वो हमारी कंपनी संभालेगा। अरे छोटे भाई की प्रगति हो रही है, इट्स नाइस ना? मैं भी चाहती हूँ सिट आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, लेकिन मेरा क्या, आपका क्या? पिछले 12 साल से मैं इस कंपनी के लिए काम कर रही हूँ, मैंने दिन रात एक की, लेकिन किसी ने भी ये कंपनी मुझे देने के बारे में नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि मैं इस घर की बेटी हूँ। इतना कुछ करने के बाद मुझे क्या मिला? You're right. आपको तो कुछ नहीं मिला। शादी आप एक काम करो, आपने मेरा एक बेटा रख लो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ना, और मुझे कम करनी है, आप रख लो ना, प्लीज प्लीज। आपकी बेटी प्रीति। आपकी बीवी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिल्कुल आपकी तरह है। बड़ा जोक मारदा तू ते। एंजॉय एंजॉय। चल कुमार अपने वाला पैक बनाई यार तू। डार्ट। It's wonderful to finally meet you. It's wonderful to meet you too, sir. You can call me by my name. Hi, Rabba, इनका नाम क्या है? जी जी जी, of course, Mr. Mr. Daruwala. Papa. इतना लेट क्यों हो गया? मैं ऑफिस में था ना, काम कर रहा था। अरे मैं सिट की नहीं, मैं अपने दूसरे बेटे की बात कर रहा हूँ। ओह वो तो हमेशा ही अच्छा दिखता है, उसे आप गंजी में देखोगे ना, बाय गॉड। बस आती हूँ। पापा, ये इतना गिफ्ट मेरे लिए है? नहीं, हार्ट शेप गिफ्ट रैपिंग एंड ऑल,
आप कब से बीवी के साथ इतने रोमांटिक हो गए जनाब? थैंक यू। बाय द वे इसमें है क्या? इतना अच्छा लगा ना तू शादी। चल। That's it, enough, बस। सेठ, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो अंदर होना चाहिए। आई नीड अ ब्रेक बाबू। ब्रेक? क्या हुआ? मेरा क्या हाल है, मैं कैसा हूँ, क्या चाहता हूँ, इसकी फिक्र सिर्फ आपको। तू सीधे सीधे बता ना, प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता भाभी। कल मैं बोलने वाला हूँ कि मैं कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। मुझे ये बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई जस्ट कांट। क्या बात कर रहा है? बड़े पापा जस्ट इंट्रोड्यूस यू अस नेक्स्ट वीक। आई नो भाभी, आई नो कि मैं बहुत लेट कह रहा हूँ, मगर सबका इतना एक्सपेक्टेशन है कि मैं डर गया था। मॉम, डैड, दीदी, ईशान भैया, ऐसे लग रहा है जैसे मैं फंस गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.